मैं प्रशांत बहल, महासचिव मंडी व्यापार मंडल। आज मंडी व्यापार मंडल ने सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक बाज़ार बंद रखने की कॉल दी है। जो भी हमारी देवभूमि हिमाचल में कुछ 2-4 दिनों से घटनाक्रम चल रहे हैं और जिस वजह से जनता को सड़क पर उतरना पड़ा, उसी समर्थन में हम लोगों ने भी आज 9 से 11 जो है बंद का ऐलान किया है। हमने किसी भी समाज के प्रति या किसी भी व्यक्ति विशेष के प्रति ये बंद नहीं किया है। हमने सिर्फ सरकार और प्रशासन को एक मैसेज देने के लिए ये बंद किया है कि जो भी प्रवासी मजदूर हिमाचल में देवभूमि में आ रहे हैं, उनका एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, एक प्रॉपर मॉडल तैयार किया जाए जिससे कि उनको एक यूनिक आईडी इशू की जा सके, ताकि वो किसी के घरों में काम करने जा रहे हैं या दुकान किराए पर लेने जा रहे हैं तो देने वाले के लिए बड़ा आसानी हो उस यूनिक आईडी को देखकर कि ये लोग जो हैं जेन्युइन लोग हैं और भारतीय लोग ही हैं। जैसा कि हमको सुनने में आ रहा है कि आज के टाइम पे घुसपैठिए भी काफ़ी जो है पूरे हिमाचल में और इधर उधर घुस चुके हैं, तो उसी के लिए हमने सरकार से और प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि एक यूनिक आईडी इशू करके इन लोगों को, ताकि आम जनता के लिए भी सहूलियत हो। और दूसरा, जैसे कि हमारा मंडी वाला ये मस्जिद वाला मुद्दा था जिसमें कि अतिक्रमण को लेकर बात हो रही है, वो ठीक है, वो प्रशासन और सरकार का विचार करने वाला मसला है, पर हमारी उनसे निवेदन है कि ये मसले समय रहते, संवेदनशील मसले हैं, इनको समय रहते सुलझा लिया जाए, ताकि ऐसा समय ना आए कि जनता को सड़क पर उतरना पड़ जाए इन मसलों का फैसला करवाने के लिए। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.